Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see project overview plus naming convention. जी हाँ guys, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा important है, खासकर एकदम जो totally beginners है उनके लिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी project पे काम करते तो सबसे पहले हमें उनका जो basic चीजें होती है like folder structure, folder का naming convention है ना, जो जो packages हमें उनके साथ मिल रही है, जो जो फाइल्स हमें ऑटोमेटिक मिल रहा है उसका क्या मतलब होता है, एंड हमें उस फाइल को अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना जरूरी है या नहीं है, तो वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे डाउट्स जो है गाइस आज इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, अब हम बिना किसी देर के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड अब हमें देखना है हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, अगर आपको याद हो हमारा जो सेकंड वीडियो था जब हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था, तो यही सारी चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मिल रही थी। एक भी ऐसा फाइल या फोल्डर नहीं जो मैंने खुद से मैन्युअली क्रिएट किया हो। ये सब कुछ जब हम वीट की मदद से रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे थे हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या फाइल्स है, ये कौन से फोल्डर है एंड इसकी हमें नीड है भी या नहीं, ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऑन दी राइट हैंड साइड, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा होगा आपके सिस्टम पे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। ये देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे यही वो चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ एंड इसी को ही हम एकदम क्या बोलते वो वर्ड यू नो एकदम इनडेप्थ घुस के समझने वाले कि आखिर इसका क्या मतलब है, ठीक है। एंड फाइनली आप पैकेज देख सकते हो, पैकेज में हमारे डिपेंडेंसी में रिएक्ट एंड रिएक्ट रोम क्या है, वर्जन 19 है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। ऑलराइट, तो सबसे पहले चलो यहाँ पे समझते, फिर वन बाय वन में बताता हूँ। नोड मॉड्यूल्स क्या है, ये नोड मॉड्यूल्स, ये देखिए आप टॉप पे देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। दैट इज ये जो फोल्डर है इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज जो हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट को चाहिए। तो ये एक ऐसा फोल्डर है जिसमें रिएक्ट जिस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज चाहिए वो सब इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, बेसिकली स्टोर्ड है, बस इतना। आपको इसको ना छूना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज इसको रखना है, बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, जस्ट आपको पता चल गया होगा ये क्या चीज है। देन वी हैव दिस पब्लिक फोल्डर, तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी, नाम से पता चल रहा है पब्लिक। आप बाहर जाते हो तो बोलते पब्लिक में आप इस तरीके से बाहर मत जाओ, पब्लिक से आप, आई होप आपको पता चल गया, एक्सपोज। तो दिस फोल्डर कंटेन्स ऑल द स्टैटिक फाइल्स, जितने भी स्टैटिक फाइल्स है वो आप यहाँ पे स्टोर करते हो, लाइक योर इमेजेस, वीडियोस, फॉन्ट्स एसेट्रा। अगर हम बात करते ट्रेडिशनल तरीके, जो हमारा एचटीएमएल एंड बूटस्ट्रैप की बात थी, वहां पे जब भी अगर हमें इमेजेस को क्रिएट करना होता था तो वहां पे हम क्या करते थे, इमेजेस करके एक फोल्डर बनाते थे एंड देन डायरेक्टली वहां पे इमेजेस ऐड कर देते थे, राइट। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली बाहर कहीं पे भी इमेजेस नहीं लिख सकते, यहाँ पे हर एक चीज को एकदम अच्छे से मैनेज किया गया है। अगर आपको इमेजेस चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फोल्डर बना लो पब्लिक के अंदर एंड ऐड कर दो, है ना। आगे हम प्रोजेक्ट करेंगे आपको पता चलेगा, बट आई होप एटलीस्ट पता चल रहा है धीरे धीरे कि अच्छा ऐसा है, ठीक है। अब सोर्स बोलते ना कि मुझे ना मेरा कल पेपर है, कुछ सोर्स लगा देना, जुगाड़ लगा देना, या कल मुझे बेसिकली इस पर्टिकुलर पे एक पार्टिसिपेट करना है, प्लीज कोई सोर्स मुझे मिला दे यार, मुझे किसी तरीके से हेल्प हो जाएगी। तो गाइस ये जो सोर्स का जो ये वर्ड है, इट्स ऑलवेज कैरी अ वेरी बिग वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, एंड दैट इज कि नो मैटर व्हाट, सोर्स मिलना मतलब पावर मिलना। तो रिएक्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, आपके रिएक्ट फाइल के एप्लीकेशन, उसके फाइल्स, आपके एक्चुअल कंपोनेंट्स। React is all about your components and component is all about your JSX, ये मैं बना रहा हूँ अपनी मर्जी से, जो component is all about your JSX वाला, but जो भी हो इतना तो पता चल गया कि जो components folder है, जितने भी आपके source file है वो सब इसके अंदर आते हैं, चाहे वो आपका CSS हो चाहे वो आपका JavaScript हो, क्योंकि HTML file तो हम create करते ही नहीं है। जी हाँ guys, हम HTML file create नहीं करते, हम JSX file create करते हैं React में, वो सब आपके source folder के अंदर आता है एंड आप देख भी सकते हो, ठीक है। जिसमें से app.jsx मैंने आपको इनिशियली के दिन ही दिखा दिया था कि इसके अंदर ही, अब फिर से दिखा देता हूं मैं, हियर वी हैव app.jsx जिसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो वो जो है आपके main.jsx पे आपको उसको इंपोर्ट करना है एंड पास करना है एज एन कंपोनेंट, एंड इस पे आपने क्या किया हुआ है, एक गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से वो जो index.html में जो आपका
डीव है उसका एक्सेस आपने यहाँ पे पाया हुआ है एंड यही जो है आपका रेंडर हो रहा है, समझ रहे हो। तो मेन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है, उसके बाद आपका एप डॉट जेएसएक्स का काम आता है। आप नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो बट मेन डॉट जेएसएक्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है, ठीक है। देन ईएस लिंट, अगर आपको दिखाऊं सो हियर वी हैव ईएस लिंट इस जगह पे, राइट। तो ये क्या है, देखो गाइस यहाँ पे बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको मिला है, ऑब्वियसली सभी बाय डिफॉल्ट मिले, बट ईएस लिंट एक स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल है फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लमेटिक पैटर्न्स फाउंड इन जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड में कोई भी प्रॉब्लमेटिक, आप सिंपल ये समझ लीजिए इसका काम है टू मेक श्योर आप जो भी कोड लिख रहे हो एकदम परफेक्ट हो, मतलब एज पर रूल्स हो, वरना आपको हाईलाइट करके एरर दे देगा ये, सिंपल इतना ही है। नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता चल जाएगा जब एरर आएगा, तब आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई क्यों मुझे ये एरर आ रहा है, तब आपको पता चल जाएगा। बट देन वी हैव दिस गिट इग्नोर। तो गिट इग्नोर तो गाइस देखो ना, गिट एंड देन इग्नोर, गिट एक तरफ इग्नोर एक तरफ, मैं तुझसे गुस्सा हूं इग्नोर, आपने इग्नोर किया राइट। तो यहाँ पे गिट में अगर आपको किसी फाइल्स या फोल्डर को इग्नोर कराना हो तो वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर आप इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ऐड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल नोट मॉड्यूल्स, हम कभी भी नोट मॉड्यूल्स को शेयर नहीं करते हमारे गिटहब पे। आप देख सकते हो यहाँ पे आई हैव माई गिटहब, जिसमें मैंने जो भी एप्लीकेशन है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ बिना नोट मॉड्यूल्स को, आई मीन पास करे पुश करे, क्योंकि ये बहुत ही हैवी साइज होता है नोड मॉड्यूल्स एंड हम नहीं चाहते कि इतना हैवी साइज जो है हम पुश करें हमारे कोड पे गिटहब पे। दैट्स व्हाई नोड मॉड्यूल्स आप कभी इंक्लूड नहीं करते। एंड बाकी चीजें अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके जितने भी सीक्रेट कीज है या जो भी आपके प्राइवेट कीज है या जो भी आपके पासवर्ड्स है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें आप थोड़ी पब्लिक दुनिया को बताओगे ये देखिए मेरा पासवर्ड, नहीं ना। तो ये सारी चीजें हम दुनिया को नहीं दिखा सकते। तो जितने भी आपके प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड कीज एंड ऑल पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड ऐसी चीजें जो आप आगे दुनिया को नहीं दिखाना चाहते वो आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ता है। इतना मत सोचिए, मत सोचिए, बस इतना आप याद रखिए। अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, यही हमारा इकलौता एच टी एम एल फाइल है रिएक्ट में, जो कि आपका गाइस सर्व होता है एज एन एंट्री पॉइंट फॉर दी वेब सर्वर या वेब ब्राउजर। देन पैकेज डॉट जेसन फाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो एक ऐसा फाइल है विच कंटेन्स ऑल द डिटेल्स और दी कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग योर रिएक्ट एप्लीकेशन या रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट। हाँ सिर्फ रिएक्ट नहीं, आप अगर नोट जेस भी यूज करते हो तो वहां पे भी पैकेज फाइल होगा एंड उस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आपके नोट्स का आई मीन नोट जेस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज थी उसका कॉन्फ़िगरेशन सब इसके अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड और भी दिखा देता हूँ, इट इंक्लूड्स योर नेम वर्जन डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट एंड देन डिपेंडेंसीज। यहाँ पे स्क्रिप्ट Here includes all the script that you can run by npm run and खत्म, मतलब npm याद है जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ, फिलहाल तो मैं तो अभी burn यूज कर रहा हूँ। अगर आप npm यूज करते हो तो npm run and then dev आपको लिखना पड़ता, अगर आप pnpm यूज कर रहे हो then you have to write pnpm run and then dev, but आप burn यूज करते हो तो आई गेस pnpm में भी आप pnpm dev लिख सकते हो, वहीं अगर आप burn यूज करे तो यहाँ पे भी आप burn run and then dev लिख सकते हो, else you can directly write burn and then dev। मैं आपको बताता हूँ, here we have a dependencies and dev dependencies also, but package पे अगर आप चलते हो ये देखो we have this script, पहले तो name बता रहा है, याद है जब हमने starting में install किया था उसका private बता रहा है, version बता रहा है, type बता रहा है, scripts बताता है, dependencies बताता है कि इस react application को run करने के लिए फिलहाल we have a react and react DOM only, एंड ये है डेव डिपेंडेंसी जो हमारे सिस्टम पे डिपेंड है, रिएक्ट रिएक्ट डोम प्लग इन इतने सारी चीजें वीट, ये देखो वीट के कारण ही हो रहा है ना यहाँ पे जो भी हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो स्क्रिप्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्क्रिप्ट कैसे, इवन फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन को क्या दिया जाता है, मैम सर ये रहा आपका स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट देते ना राइट, विदाउट स्क्रिप्ट कुछ होगा ही नहीं, उनको क्या मालूम क्या बोलना है। उसी तरीके से प्रोजेक्ट पे भी वी हैव अ स्क्रिप्ट, अगर आपको रन करना है देन वी हैव अ स्क्रिप्ट डेव, npm रन डेव बर्न डेव, npm रन बिल्ड बर्न एंड देन बिल्ड। तो ये आप देखो ना मैंने क्या किया यहाँ पे, ये क्या लिखा मैंने बर्न एंड देन डेव। अब आपको पता चला मैंने डेव क्यों लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन्होंने बोला कि आपको अगर रन करना है तो डेव लिखिए, खत्म, समझ रहे हो। तो ऐसे ये काम कर रहा था, आई होप अब आपको पता चल गया है ना। एंड डिपेंडेंसीज तो ये रहे या एंड फाइनली ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे डिपेंडेंसी में फिलहाल अभी रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम दिख रहा है, क्योंकि यही दो चीजें जो हमें चाहिए। एंड एक चीज ऑलवेज याद रखना, रिएक्ट अलग है, रिएक्ट डोम टोटली डिफरेंट है। रिएक्ट तो हम काम कर रहे हैं यू नो अभी, बट रिएक्ट डोम क्या है, हम बिहाइंड द सीन जो डोम को अपडेट करना है, हमारे इंटरफेस को यू नो डिस्प्ले कराना, वो रिएक्ट डोम का काम है।
बट अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करते हो तब आपने रिएक्ट नेटिव करके सुना होगा, तो वहां पे भी आप रिएक्ट डोम यूज नहीं करोगे, तो वहां पे जो फ्रंट एंड वो तो आपका रिएक्ट रहेगा बट बैकएंड में आपका वो रिएक्ट नेटिव रहेगा। बैकएंड मतलब वो एक्चुअल बैकएंड नहीं, बट रिएक्ट को डिस्प्ले कराने में जो बिहाइंड द सीन जो काम कर रहा है डोम के साथ खेलने का, वो आपका रिएक्ट नेटिव करेगा, रिएक्ट डोम नहीं काम करेगा। तो वेबसाइट में रिएक्ट प्लस रिएक्ट डोम मेक्स योर वेबसाइट, एंड एप्लीकेशन में रिएक्ट प्लस रिएक्ट नेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ रिएक्ट डोम मेक्स योर मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस तरीके से ये काम करता है। एंड फाइनली वी हैव दिस वीट कन्फिग। ऑब्वियसली मैंने वीट यूज की, डेट्स वाई मुझे वीट का कन्फिग आ रहा है, एंड मैंने कौन सा वीट का वर्जन यूज किया, क्या है उसका डेटा एंड ऑल कन्फिग्रेशन फाइल, मुझे वो यहाँ पे मिल रहा है। या तो ये थे आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एंड आई होप सब आपको क्लियर हो गया। एंड देन ये जो बर्न डॉट लॉक के भी जो दिखाई दे रहा है, आप ये समझ जाओ बर्न का डेटा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड रेडमी जो है, ये जो एक फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आप समझ जाइएगा इस, इसमें आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी होता है ना, रेडमी फाइल आपने देखा होगा, हल्ला चला था ओपन सोर्स की दुनिया में, है ना, कंट्रीब्यूशन तो कुछ करना है नहीं, खाली रेडमी में अपना अपना नाम चिपका दे रहे थे, समझ रहे हो, तो वो वाला रेडमी है ये, आप समझ जाइए बस, ठीक है। वी हैव दिस नेमिंग कन्वेंशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, आई मीन किया भी होगा या नहीं, बट देखो ना यहाँ पे ऐप कैपिटल है, यहाँ पे ऐप कैपिटल है, आई मीन ए कैपिटल है, बट वेन इट कम्स टू योर मेन डॉट जेएसएक्स ये फिर स्मॉल में है, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स ये स्मॉल में, भाई ये क्यों? तो भाई कब मैं क्या करूं, कब मैं पास्कल यूज करूं, कब मैं कैमल यूज करूं, कब मैं कबाब यूज करूं, कब मैं क्या यूज करूं, तो ये नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब जैसे जैसे हम आगे क्रिएट काम करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, पता चलेगा, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए, वी हैव अ कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस, एंड देन वी हैव अ कबाब केस। तो कैमल केस तो आप में से बहुतों ने देखा ही होगा, ये जो है रिएक्ट की दुनिया में हम इसको वेरिएबल्स का, अगर आपको नाम देना हो वेरिएबल्स के नेम, फंक्शंस का नाम या मेथड या प्रॉपर्टीज इनसाइड योर ऑब्जेक्ट्स, फाइल का नाम, तब हम कैमल केस यूज करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट इज डन, तो ये आपका कैमल केस है। डोंट वरी, मैं जस्ट अभी बता रहा हूं, बट जब हम इसको रियल में काम करेंगे तब आपको पता चलेगा, बट एटलीस्ट अभी आपको पता चल रहा है पास्कल केस। सो इट इज यूज्ड फॉर कंपोनेंट नेम्स क्लास, हाँ ये ध्यान रखना, पास्कल केस जो है, देखो ना फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, एंड देन जो सेकंड वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। सो दैट्स व्हाई ये जो ऐप डॉट सीएसएस है ना, आई मीन ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट, मेन तो आपका मेन एंट्री रूट है, तो ये आप इसको कंपोनेंट ना बोल के, ये आपका एंट्री पॉइंट है जिसके अंदर आप कंपोनेंट यूज करने वाले हो, ये दिस इज योर कंपोनेंट। यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाई, ओवर हियर आपने एक फंक्शन बनाया, एंड देखो ये कैपिटल है, एंड नाउ ये आप आपका एक कंपोनेंट बन गया है, तो वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट है ये आपको ऑलवेज पास्कल केस में लिखना पड़ता है, ठीक है। देन स्नेक केस, स्नेक केस में एक फर्स्ट वर्ड एज इट इज रहेगा, एंड देन सेकंड वर्ड जब स्टार्ट होगा तब उनके बीच में अंडरस्कोर आ जाएगा। सी अब इट इज नॉट कॉमन इन जावास्क्रिप्ट बट इज यूज्ड हैवीली इन पाइथन, ये पाइथन में बहुत हैवीली यूज्ड होता है बट पाइथन में इतना यूज नहीं होता है। ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर एंड इज स्मॉल लेटर। अब देखो द बेस्ट पार्ट ये कि आप इसने केस भी यूज कर सकते हो रिएक्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसका भी यूज कर सकते हो, बट हम आगे देखेंगे जब इसका एक्चुअल केस आएगा। देन वी हैव दिस कबाब केस, सो इट इज कॉमन फॉर फाइल नेम, सीएसएस क्लासेस आईडीज, फाइल का जो नाम होता है, सिंपल फाइल नेम, कंपोनेंट नहीं बट फाइल नेम, जैसे यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं बट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो हाँ। अब एक चीज देखना, यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है सब कबाब केस यूज हो रहा है, इधर यू कैन गो विद द पास्कल केस और यू कैन गो विद द कबाब केस, देखो ना, वरना फर्स्ट लेटर कैपिटल होना, ये सभी के सभी क्या आपके कंपोनेंट्स है ये, बट यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कबाब केस यूज की इंस्टेड ऑफ योर पास्कल केस, सो इट्स टोटली अप टू यू, बट बहुत सभी लोगों का आप पास्कल केस देखोगे, बहुतों का आप कबाब केस देखोगे, दोनों परफेक्टली वैलिड है व्हेन इट कम्स टू योर कंपोनेंट नेम। बाकी चीजों के लिए किस में कहाँ क्या नाम होना चाहिए आपको पता चल गया होगा, एंड कैमल केस अभी भी आपको पता नहीं चल रहा क्या चीज है, तो यही आपको दिख रहा है ना यहाँ पे जो मैंने लिखा है, फर्स्ट लेटर एज इट इज फर्स्ट वर्ड का सेकंड लेटर जो है वो कैपिटल हो जाता है। तो ये रहा गाइस आपका नेमिंग कन्वेंशन। सो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना, देन ये जो नेमिंग कन्वेंशन को समझना, कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रहा है उसको समझना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इनिशियल स्टेप फर्स्ट सीडी ही यही है, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो देन हमारे लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ऑलराइट, आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बताना चाहूंगा गाइस, अगर इन केस कुछ भी डाउट आपको आता है
तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।